हेनरीज के बारे में मैं बोलना चाहूंगा, इट इज एप्लीकेबल फॉर गैस एंड लिक्विड सिस्टम, यानी आप ऐसे सिस्टम के लिए लगाएंगे जहां सिर्फ गैस हो और लिक्विड हो। क्या ये वेपर के लिए लगेगा? नहीं, वेपर जानते हो जो लिक्विड से बन रही है, गैस जानते हो जो लिक्विड से नहीं बन रही है ना लिक्विफाइड होती है। तो सिस्टम की एक बार कंसेप्ट समझो, सिस्टम होगा कैसा दिखेगा आपको? ऐसा दिखेगा, मान लीजिए ये आपके पास लिक्विड है, सही है, इससे बनने वाली वेपर लिक्विड से हम नहीं यूज करेंगे, यानी हम ये मान रहे हैं कि हमारा जो लिक्विड है वो एक तरह से उसकी वेपर का हमें कोई लेना देना ही नहीं है इस जगह सिस्टम में। हो सकता है वॉलेटाइल हो, वेपर बनती हो या ना बनती हो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये क्लोज है, मैंने इसको क्लोज कर रखा है, तो यहाँ जो गैस होगी, ये दो तरह की गैस मैं सोच रहा हूँ, एक सोच रहा हूँ मैं कि यहाँ पर N2 गैस होगी, कौन सी? N2। एक और गैस मैं सोच रहा हूँ कि कोई और गैस भी ली जाए, तो मैंने उसके लिए दूसरी गैस लिया है, कौन सी गैस लिया है मैंने? O2। तो क्या आपको यहाँ हीट करने की जरूरत होगी? नहीं, N2 तो गैस है, रूम टेम्परेचर पे भी गैस है, ठीक है ना, पक्का। अब क्या आपको लगता है कि ये N2 सिर्फ गैस में ही रहेगी? नहीं, कुछ हद तक ये क्या होगा, इस जगह डॉट्स में डिजोल्व भी होगी, बहुत कम होगी, ऐसी कुछ ना कुछ O2 भी डिजोल्व होगी। तो जब O2 भी डिजोल्व होगी, तो ये डिजोल्व O2 को ही, तो आप जानते हैं फिशेस क्या करती है, लेती है ऑक्सीजन, तो फिश को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, तो डिजोल्व ऑक्सीजन से काम चल जाता है। अरे ये बात, तो लगभग 15 नैनो, वो क्या कहते हैं, पीकोमी पार्ट्स पर मिलियन, PPM लेवल तक ये डिजोल्व हो जाती है, 15 पार्ट्स पर मिलियन बहुत कम होता है, तो इतनी ऑक्सीजन बहुत है सफिशिएंट उसके लिए। तो अगर ये गैस और N2 गैस में पूछा जाए कि कौन सी ज़्यादा डिजोल्व होगी, तो हमें पता चला ये 15 है, वो 17 है, थोड़ा सा फर्क तो पड़ रहा है, तो ऐसा क्या कारण है कि वो ज़्यादा डिजोल्व है? एक तो ये चीज़ हेनरीज ने बताया, दूसरा ये जो सॉल्युबिलिटीज हो रही है गैस की लिक्विड के अंदर, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है और प्रेशर पे भी डिपेंड करती है, इज दैट क्लियर? तो मुझे बताया कि दो रीजन की वजह से N2 की क्वांटिटी कंटेनर में ज्यादा है, फर्स्ट क्योंकि कंटेनर में N2 गैस फॉर्म में भी ज्यादा है इसलिए ज्यादा है, और दूसरा उसका डिजोल्व होने का नेचर भी ज्यादा है। तो दो फैक्टर हैं जिसकी वजह से N2 की सॉल्युबिलिटी इस वाटर या किसी भी लिक्विड के अंदर O2 के कंपेयर में ज्यादा है। फर्स्ट क्या बताया मैंने, क्योंकि N2 ऊपर भी ज्यादा है, ये लो ज्यादा बनाना पड़ेगा अब आपको अमाउंट ऑफ N2, और दूसरा उसकी सॉल्युबिलिटी होने की टेंडेंसी भी क्या है, ज्यादा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्युबिलिटी होने की टेंडेंसी O2 की ज्यादा हो, पक्का हो सकता है, और इसके लिए क्वांटिटी ज्यादा है इसलिए ज्यादा हो। तो अगर ऐसा हुआ तो ओवरऑल वो ज्यादा होगी या कम होगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है। एक फैक्टर कह रहा है कि ये ज्यादा होनी चाहिए, एक फैक्टर कह रहा है ये ज्यादा होनी चाहिए क्वांटिटी, सही है, तो कौन सा फैक्टर डोमिनेट होगा ये हमें पता करना है। तो कुल मिला के हमें इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर यही पढ़ना है कि कौन सी गैस ज्यादा डिजोल्व होगी। ये बात मुझे किसने बताई? हेनरीज ने। तो हेनरी ने क्या बताया, एक तरह से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो इट इज एप्लीकेबल फॉर गैस एंड लिक्विड सिस्टम। एंड लिखते जाओ, सेकेंड पॉइंट यहां पर लिखेंगे, एंड इट शो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड सिस्टम, तो दोनों चीजें इसने बहुत अच्छे से बताई पहला। तो अगला पॉइंट हमारे पास हो रहा है फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड।
फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, फर्स्ट कौन सा फैक्टर आएगा आपके पास? जो फर्स्ट फैक्टर बन के आ रहा है वो ये है इस जगह कि भाई नेचर ऑफ गैस, बहुत बड़ा फैक्टर होता है नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों के आपस में जुगलबंदी कितनी है उस बात पे बहुत डिपेंड करता है, समझना। नरेंद्र मोदी और शाह, अपने अमित शाह, दोनों की अंडरस्टैंडिंग क्या है, बहुत ज्यादा है, तो एक दूसरे में क्या हो सकते हैं, इंटरमिक्स बहुत आसानी से हो जाते हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये उनकी मेंटलिटी, यानी मैं चाहता हूं लेकिन सामने वाला डिसॉल्व नहीं करने देना चाहता तो भी नहीं होगा, सामने वाला चाहता है मैं नहीं चाह रहा तो भी नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? तो एक दूसरे के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा है वो कितना पावरफुल है वो है, इसीलिए एक कहावत सी बन गई, डिसॉल्व लाइक्स डिसॉल्व्स, आप जैसे, है ना। तो यहां हमारे पास इस बात में आ गया कि सामने वाला जैसा और हम भी वैसे हैं तो अच्छी जुगलबंदी हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। तो अब कैसे हमें पता चलेगा, देखो अगर दोनों पॉलर हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, इस जगह हम गैस को क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, तो काम चल जाएगा, या दोनों नॉन पॉलर हैं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन एक पॉलर है एक नॉन पॉलर है तो उनमें जुगलबंदी नहीं होगी। तो क्या होता है, पॉलर प्लस पॉलर बेस्ट है, नॉन पॉलर प्लस नॉन पॉलर ये भी चल सकता है, लेकिन पोलर प्लस नॉन पोलर और नॉन पोलर प्लस पोलर, इन दोनों में आपस में कोई काम नहीं होगा, समझ रहे हैं। अगर गैस पोलर है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, H2O और अगर कोई भी पोलर गैस ले ली, अमोनिया, बहुत अच्छी सॉल्युबिलिटी होगी, H2O प्लस HCl गैस बहुत अच्छी पोलर होगी, दोनों पोलर हैं लेकिन H2O प्लस O2 उतनी अच्छा नहीं है क्योंकि O2 नॉन पोलर गैस है, तो क्या इसकी सॉल्युबिलिटी उतनी अच्छी आएगी, नहीं आएगी, तो नहीं आएगी, लेस, या H2O प्लस N2 लेस, समझ में आ रहा है। हम इस जगह इनको नहीं पढ़ रहे क्योंकि तो बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, हम किसको पढ़ रहे हैं, इन दो सिस्टम को जो कम है। अब कम है तो कितना है, ऐसा तो बोल ही नहीं रहा कि बिल्कुल जीरो होगा, कम होगा लेकिन बहुत कम होगा, उसको अब हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में आ रही है बात। तो उसको कैसे कर रहा है ये सिस्टम, एक ही सेकंड में इस चीज को समझना। तो सॉल्युबिलिटी, अगला पॉइंट हमारे पास आएगा वो रहेगा हमारे पास, अभी भी दो पे पॉइंट पे डिपेंड करता है, फर्स्ट जो आपने पढ़ा सॉल्वेंट तो फिक्स हो गया, तो दो बातों पे डिपेंड करेगा, एक तो प्रेशर, टेम्परेचर, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर अगर आप प्रेशर बढ़ा देते हैं, डिसॉल्व तो नहीं होना चाहता लेकिन बहुत कम होना चाहता, लेकिन प्रेशर बढ़ा दोगे तो डायरेक्ट डिसॉल्व होगा, तो उस कंडीशन में प्रेशर जैसे इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल प्रेशर। थर्ड पॉइंट हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। भाई ये बात समझ लीजिए, हम पढ़ने जा रहे हैं ये नॉन पोलर गैस क्या, तो इनमें कोई बॉन्ड तो है नहीं पोलर, तो जहां कोई भी बॉन्ड नहीं होता वहां कौन सा बॉन्ड होता है, वांडरवाल, और वांडरवाल बॉन्ड बहुत वीक होता है इसलिए सॉल्युबिलिटी भी कम होगी, लेकिन वांडरवाल इस बात पे भी डिपेंड करता है वीक होने की वजह से कि अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ा तो वो टूट जाएगा और जो सॉल्युबल हुई है वो नहीं होगी। तो इसका मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में कैसे देखोगे आप, सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल 1/टेम्परेचर, क्योंकि यहां तो उल्टा चलेगा, वांडरवाल बॉन्ड स्टेबल ही बहुत कम टेम्परेचर पे होता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा सब खत्म, आप कुछ ही नहीं करोगे। तो ये बातें मुझसे पहले किसने बताई, हेनरी ने,
नहीं तो मैं बता देता आज, मैं उसकी जगह खड़ा होता। अब आई बात समझ में? तो ये हमारे को हेनरी ने बताया। तो हमने अभी ये पढ़ा कि तीन फैक्टर हो गए, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। पक्का? तो मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ कि सॉल्वेंट फिक्स कर देता हूँ मैं सेम सॉल्वेंट में, और सिर्फ और टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर देता हूँ, तो प्रेशर के साथ क्या रिलेशन आएगा उनको समझने की कोशिश करता हूँ मैं। तो जब मैंने इस चीज को देखा, मैं कौन हूँ इस समय? हेनरी। तो सिर्फ इफेक्ट ऑफ प्रेशर को देखा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, मैंने सॉल्युबिलिटी को कैसे लिया? मोल फ्रैक्शन के फॉर्मेट में। सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यानी एक तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड फेज। और इस तरफ लिया मैंने प्रेशर, इस तरफ क्या लिया? प्रेशर। तो जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, मेरे सॉल्युबिलिटी क्या होती जा रही है गैस की? बढ़ती जा रही है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस गैस इंक्रीजेस। ये लेकिन किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं? सॉल्वेंट क्या होना चाहिए जगह? सॉल्वेंट पोलर है और गैस जो है वो आपके पास क्या है? नॉन पोलर। क्योंकि अगर गैस पोलर होती, गैस भी पोलर होती, तो फिर तो वो तो वैसे ही डिजोल्व हो जाती है अच्छी खासी, फिर प्रेशर की जरूरत ही नहीं होती। कितनी अच्छी बात है, HCl को प्रेशर चाहिए नहीं, वो तो जितना डालो डिजोल्व हो जाएगी। तो अब ये आपके पास इस तरह से चलेगा। तो इस तरह से अगर हम गैस का बात करें तो यहाँ दो बातें आती है कि ये गैस है, ये किसके प्रोपोर्शनल हो रही है? एक तरह से प्रेशर के। समझ में आ रहा है? तो यहां आपके पास दो बातें फिर आ रही है कि प्रेशर कौन सा है और मोल फ्रैक्शन क्या है। वेयर प्रेशर का मतलब यहां पर है पार्शियल प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस। मैंने पार्शियल प्रेशर क्यों लिया? अरे किसी और गैस का कितना प्रेशर है वो तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिसाइड करेगा, मेरी सॉल्युबिलिटी कौन डिसाइड करेगा? मेरी सॉल्युबिलिटी तो मेरा प्रेशर डिसाइड करेगा, और मेरा प्रेशर क्या कहलाता है? मेरा पार्शियल प्रेशर। समझ में आ रहा है? खुद का इंडिविजुअली पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। और दूसरा आपके पास क्या आ रहा है यहां पर? अगला पॉइंट क्या है यहां पर? एक्स गैस क्या है? ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। इसको समझते हैं बहुत अच्छे से। ये आपके पास कंटेनर है, क्लोज भी है, यहां आपके पास लिक्विड है, ऊपर दो गैसेस हैं, एक N2 जो आपके पास कितना परसेंट है? 80% मान लीजिए, 80% मान लीजिए। और दूसरा है आपके पास, कौन सी गैस लेंगे आप दूसरी? O2, इसको आप 20% मान लीजिए। समझ में आ रहा है? तो जनरली जो गैस क्वांटिटी ज़्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी, मेन फैक्टर यही करता है, दूसरा फैक्टर कम रहता है। तो ये आपके आपके पास डिजोल्व कर लिया आपने, क्वांटिटी ज़्यादा भी शो कर दो थोड़ा सा, तो ये आपके पास क्या हो गया? N2। और ये आपके पास हो गया अंदर की तरफ O2 भी। तो अब आप मेरे को कुछ चीज़ें बताते जाएं। फर्स्ट आप मुझे बताएं मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 क्या होगा इस पूरे इक्वेशन में? O2 का ध्यान से सुनिए, मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ O2 HN2 प्लस मोल ऑफ H2, क्योंकि लिक्विड में देख रहा हूं मैं ये। क्या आपको लगता है N2 और O2 के मोल कितने होंगे? इतने कम कि उन्हें क्या मान लिया जाए? नेग्लिजिबल। तो ये की पॉइंट आपके पास रहेगा, तो आप इसको बिल्कुल क्रॉस कर दो,
क्यू क्रॉस कर रहे हो, कोई भी चीज बड़ी क्वांटिटी में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो जीरो मान सकते हैं, ऊपर मान सकते हैं नहीं, नहीं मान सकते। तो इस तरह से आपके पास जो ये बनेगा, अब क्या बनेगा यहां पर, मोल फ्रैक्शंस सीधा NO2 डिवाइडेड बाय NH2O। ये लिक्विड में देखना है और ये भी लिक्विड पे है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे तो ये बात मुझसे पहले हेनरी बोल रहा है और हेनरी ये कह रहा है कि भाई पार्शियल प्रेशर इस मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी बोल सकते हैं हम, पार्शियल प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, मोल फ्रैक्शंस। तो मोल फ्रैक्शन किसके प्रोपोर्शनल है, पार्शियल प्रेशर, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों भाई हैं, तू मेरा भाई है, मैं तेरा भाई हूं, ठीक है ना, वाली बात है, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट में। अब यहां पर जब भी प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या बनेगा, एक्स गैस का एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलेंगे हम हेनरी कांस्टेंट और पी। आपको ये चीज समझ में आ गई, कुछ और पॉइंट जो आपके पास निकल के आ रहे हैं, क्या निकल के आ रहा है, ये पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, ये भी उसी गैस का होगा, ये निकालना है आपको गैस फॉर्म में, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, और ये तो होता ही गैस में। तो कुल मिला के इस पार्शियल प्रेशर को निकालने के लिए आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कैसे निकालोगे आप, पी टोटल अगर आपको दिया है, ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, 80 और 20% दिया है, इसका यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर अब आपको आएगा एन, इस मोल फ्रैक्शन को लिख लो आप, एक काम करो, कैसे लिखोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन को आप पहले x से रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब किससे करना पड़ेगा, y से, क्यों, क्योंकि सब जगह x रिप्रेजेंट करोगे तो फिर कंफ्यूजन होगा, तो यहां y से और सेम गैस। तो ये y क्या बता रहा है यहां पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन इन गैसेस फॉर्म, y गैस क्या शो कर रहा है इस जगह, y गैस शो कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ y इन गैसेस स्टेट, ऑफ गैस इन गैसियस स्टेट। तो ये हमारे पास पूरा टोटल आ गया, KH क्या शो कर रहा है यहां पर, हेनरीज कांस्टेंट, इसकी यूनिट क्या होगी, एटीएम इनवर्स या टॉर इनवर्स, प्रेशर का इनवर्स होगा क्योंकि ये उधर जाएगा, मोल फ्रैक्शन की तो यूनिट होती ही नहीं है। तो ये आपके पास आ गया है हेनरीज लॉ। तो मैं ये हेनरी ने कहा, मैं इसको पता है क्या लेता हूं, अपनी लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करता हूं, मैं इसको ऐसे करता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट पी टोटल मल्टीप्लाई बाय वाई मोल फ्रैक्शन इन गैसेस फॉर्म, गैस इन गैसेस फॉर्म। समझ में आ रहा है, तो बताओ ये इक्वेशन लिखने के लिए मैंने क्या सिर्फ हेनरीज लॉ का यूज किया, नहीं, मैंने डाल्टन भी यूज किया है। डाल्टन कहां यूज किया, ये चीज जो थी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए, ये रूल क्या कहलाता है, बाय डाल्टन लॉ। ये मैंने नहीं दिया था, ये किसने दिया था, डाल्टन ने। समझ में आ रहा है, बाय डाल्टन्स लॉ, कोई डाउट। तो ये चीजें हमें समझनी है कि क्या ये चीज समझ में आ गया आपको। तो आपको क्या यहां मोल फ्रैक्शन दिया हुआ था वाई का, हाँ,
देखो कितना आसान है, 80% है, 80/100, और इसके लिए क्या हो जाएगा 20/100। ये जो गैस है ये हमें निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, के एच भी चाहिए। और ये जो गैस का मोल फ्रैक्शन है, ध्यान से सुनना, इसको निकालना और आसान है, क्योंकि आप क्या लिखोगे, ओ टू बाय एच टू ओ मोल। तो कहीं ना कहीं आपका एक रिजल्ट और आ रहा है मेरे साथ। क्या आ रहा है रिजल्ट आपका? आपका रिजल्ट ये बनेगा, ध्यान से सुनना, जो लिक्विड में है, सपोज इसके लिए N2 अपॉन एक्स ओ टू, के एच N2 अपॉन के एच ओ टू, दो गैस के लिए, मैं तो दो गैस का एग्जाम्पल ले रहा हूं, इंटू पी टोटल तो दोनों के लिए सेम होगा ही, जो कट जाएगा, मल्टीप्लाई बाय वाई N2 अपॉन पी टोटल वाई ओ टू। ये दोनों उड़ गया ऊपर, तो ये आपके पास मेन बन के आएगा। इज दैट क्लियर? अगर आपको दोनों का रेशियो मिल जाएगा, पानी पानी के अंदर मिल जाएगा, तो क्या ऊपर दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन या परसेंटेज, जैसे ये दिया हुआ है N2 और O2, N2 कितना था 80/20, कितना हुआ 4/1, 4/1, तो क्या ये पानी भी 4/1 रहेगा? नहीं, वो डिपेंड करेगा ये फैक्टर क्या दिया हुआ है। अगर ये दोनों के लिए 2/1 दिया हुआ है, तो आप उसको बस मल्टीप्लाई कर दो। और ये ही क्वेश्चन आ रहा है 2019 में, 20 में भी आ रहा है, 21 में भी आ रहा है, कभी ना कभी आ रहा है आने वाले 2-3 साल में। सब नहीं, हेनरी कॉन्स्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, तो इसका मतलब हेनरी कॉन्स्टेंट अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होगा, रिमेंबर दैट। मैंने यहां लिखा भी था हेनरी कॉन्स्टेंट के लिए कहीं पे भी, हेनरी कॉन्स्टेंट दिस एंड द वैल्यू ऑफ इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस, ये लिख लीजिएगा इसके साथ, एंड द वैल्यू ऑफ दिस, वैल्यू ऑफ इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस। कोई समझ में आया? इसको लिखो आप, ठीक है? देखिए क्वेश्चंस, जेई 2009 का क्वेश्चन है, एडवांस का, ऑब्जेक्टिव है, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा। क्या कहता है ये क्वेश्चंस? द हेनरी कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर एट दिस टेम्परेचर इज दिस। तो ये हेनरी कांस्टेंट है 1.0 × 10^5 ATM, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज 0.8, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर डिजॉल्व इन 10 मोल ऑफ दिस एट 298 केल्विन एंड 5 प्रेशर इज। तो ये आपको बताना है, आप एक बार डाटास को और अच्छे से देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले आप क्या देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, हेनरी कॉन्स्टेंट। मेरा हेनरी कॉन्स्टेंट क्या आ रहा था? ATM इनवर्स, जो मैंने आपको बताया था, यहां ATM दिया हुआ है। इसका मतलब सिंपल सिंपल सा है कि जब आप ये लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, यहां पर P प्रोपोर्शनल X लिखेंगे। जब आप P प्रोपोर्शनल X लिखेंगे तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एच एक्स। ये भी हेनरी कॉन्स्टेंट होगा, दोनों ही है, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो यहां आपको ये ध्यान में रखना होगा, रख लिया आपने। अब आगे, जैसे आपका हेनरी कॉन्स्टेंट यूनिट वाइज आपका सेट हो जाए, इनवर्स आता तो मैं यहां लिखता थर्ड पॉइंट। तो ये तो आपके पास रहा सॉल्यूशन का फर्स्ट पॉइंट कि आप कैसे स्टार्ट करेंगे, आपको यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, जब आप दिमाग में एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए इस तरह का क्वेश्चंस करने के लिए, कि आप पहले ये देखो पिक्चर क्या होनी चाहिए। ये आपके पास कंटेनर है, जो कि आपके पास ये पूरा सॉलिड है, और यहां आपके पास क्या है, दोनों गैसेस आपके पास जो डिजॉल्व है वो है। मैं दोनों गैसेस के लिए मोल फ्रैक्शन लिख रहा हूं, O2 के लिए और एक N2 के लिए। ये मोल फ्रैक्शन में क्या लिखूंगा, NO2 डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल के नाम पे O2 भी होगा, N2 भी होगा, H2 भी होगा, लेकिन बाकी की वैल्यू बहुत कम है, तो हम सिर्फ H2 ही लिखेंगे। और यहां एन
हमसे पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन टू फ्रॉम एयर डिजोल्व इन दिस, यानी हमें एन टू के मोल निकालना है, सही है, हमें ये वाली इक्वेशन यूज करनी है। तो जब आप इस तरह की इक्वेशन यूज कर रहे हो तो आपको ये भी चाहिए रहेगा कि वाई एन टू कितना है, यानी वेपर फेस में उसका कितना मोल फ्रैक्शन है, क्योंकि उसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें। वो कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको ऊपर यानी कि इस लेयर के ऊपर जो लिक्विड लेयर के ऊपर जो गैस है उसमें मोल फ्रैक्शन देखना पड़ेगा। तो वहां आपके पास एन एन टू एन ओ टू प्लस एन एन टू होगा मल्टीप्लाई बाय पी टोटल। ये कौन सा रूल लगाया आपने, डाल्टन्स लॉ। क्या बता सकते हो एन टू का मोल कितने होंगे परसेंटेज वाइज, वहां पर ऊपर की तरफ कितना दिया हुआ है 0.8 मोल फ्रैक्शन है एन टू इन एयर, तो डायरेक्टली दे रखा है उसने तो 0.8, और पी टोटल कितना दे रखा है आपको, पी टोटल बोलो देख के, नहीं 5 एटीएम। तो ये आपके पास हो गया 8×5=40 यानी कि 4 एटीएम आपके पास एन टू का प्रेशर है वो, हाँ बिल्कुल पार्शियल प्रेशर है एन टू का। अब आपके पास पार्शियल प्रेशर ही आ गया सीधा, तो ये आपके पास पार्शियल प्रेशर आ चुका है यहां पर। जब आपके पास यहां पर पार्शियल प्रेशर आ चुका है तो आपको सिर्फ ये रूल लगाना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एन टू इज इक्वल टू के हेनरी कॉन्स्टेंट ऑफ एन टू मल्टीप्लाई बाय मोल ऑफ एन टू डिवाइडेड बाय मोल ऑफ एच टू, जो कि वैल्यू कितनी है 10। अब आपके पास इस जगह N2 के कितना पार्शियल प्रेशर निकाला आपने, 4, हेनरी कांस्टेंट N2 का दिया हुआ है कहीं देखो आप, ये रहा, तो 10^5 में डायरेक्ट लिख देता हूं इनटू N2 के मोल एयर वो वाटर के अंदर, एयर के अंदर नहीं वाटर के अंदर, अपॉन 10। तो ये वैल्यू आपके पास कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 4×10^-4, ये 4 आएगा इस तरफ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो इतने मोल आपके पास N2 के डिजोल्व लेंगे 10 मोल वाटर में। तो आसान है, करिए इसको।